मंदिर न्यास चिंतपूर्णी के पूर्व ट्रस्टी एवं भाजपा संगठन जिला के देहरा जिला अध्यक्ष संजीव शर्मा, प्रदेश सरकार द्वारा कृषि उपज मंडी समिति का चेयरमैन मनोनीत करने के पश्चात माता रानी चिंतपूर्णी की पावन पिंडी के दर्शन करने पहुंचे। इस मौके पर चिंतपूर्णी बाजार के दुकानदारों, स्थानीय बाशिंदों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने संजीव शर्मा का भव्य स्वागत किया। संजीव शर्मा ने भी स्वागत करने पहुंचे सभी लोगों का आदर सत्कार किया। वही बताते चले कि संजीव शर्मा बहुत कम उम्र से भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं देनी शुरू की थी। लगभग 25 से 30 वर्ष का राजनीतिक अनुभव होने के साथ साथ उन्हें भाजपा का संकट मोचन भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार उन्होंने भाजपा को संकट से निकाला है, जिसमें प्रमुख रूप से देहरा विधानसभा से निर्मल सिंह को मंडल अध्यक्ष बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। आज माँ चिंतपूर्णी के दरबार में एपीएफसी कांगड़ा का चेयरमैन नियुक्त होने के बाद मैंने माँ के दर्शन किए और माँ का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी का, हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी का, हिमाचल प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय पवन राणा जी का, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का और जसवंत परागपुर से हमारे विधायक और उद्योग मंत्री आदरणीय विक्रम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं एपीएमसी कांगड़ा के चेयरमैन के तौर पर विश्वास दिलाता हूं कि मैं संगठन और सरकार की मजबूती के लिए पूरा कार्य करूँगा। एपीएमसी पदभार संभालने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, एक तो मैंने शुक्रवार को ज्वाइनिंग करनी है और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि ये जो एपीएमसी है कृषि उत्पादों से और उसकी विपणन से जुड़ा हुआ विषय है, तो मैं यहाँ पर कांगड़ा जो जिला है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो भी इनकी समस्याएं हैं किसानों की और जो भी सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनको पूरा करने का कार्य करूँगा। और भगवान से और माता रानी से यही मेरी प्रार्थना रहेगी कि माता रानी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो।